जबरदस्त वाली झमाझम बारिश हो रही है आपको, तो ये खुशी की बात है कि कल भी पानी गिरा था और आज भी कहने की पानी गिर गया, तो थोड़ा सोयाबीन जो है जो किसान भाइयों की खराब हो रही थी वो कहने की थोड़ा बहुत उसमें जान आ जाएगा। दूसरी चीज ये किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अब लहसुन के भाव कहने की अब बढ़ते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये पक्की बात है। और अगर ऐसा नहीं लगता आपको तो कल से या परसों से एक दो दिन देखो, एक दो दिन में कहने के भाव की जो है रफ्तार है वो लहसुन की बढ़ने वाली है। दूसरी चीज जो प्याज वाले जो किसान जिसके पास प्याज है वो भी टेंशन ना ले। अगर मैंने बोला आपको कि अगर आपने आवक आपकी कम रखी, यानी मंडी में अगर जो 1 लाख 1.25 लाख कट्टे आ रहे थे वो अगर अपने 60,000-70,000 के आसपास कट्टे आए तो वापस 25 रुपये का भाव अपने को वापस मिलने लग जाएगा, तय बात है। बाकी आज आप लोगों ने जिन लोगों ने जो अपना एक नया चैनल है पाटीदार इंदौरी ब्लॉग्स, उस पर एक्चुअली मैं ट्रेवलिंग करने गया था पहले, तो वो कहने की मैंने आज वीडियो डाले, मैं आज छुट्टी भी थी, मैंने कहा एक वीडियो डालते हैं। देखिए किसान भाई उससे क्या होगा, मैं आपसे कनेक्टेड भी रहूँगा, और क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ क्या हुआ है कि उनका जो चैनल था वो चैनल कहीं ना कहीं दिक्कत में आया है और अचानक से बंद हो गया। अब अचानक से बंद होने के बाद दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है, तो इस कारण क्या कर रहा हूँ मैं उस चैनल पर भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वीडियो डालता रहूँगा, आप में एक ब्लॉग की तरह ही वीडियो डालूंगा उस पर, तो अभी मैं ताकि उससे कहने के मैं किसानों से जुड़ा रहा हूँ, ताकि मेरा भविष्य में अगर मान लो इंदौर मंडी भाव जो पाटीदार इंदौरी वाला अपना चैनल है उस पर अगर कोई दिक्कत आता है तो इस वाले चैनल पे किसान भाइयों को मैं बता पाऊंगा कि किसान भाइयों मेरा चैनल में दिक्कत आया वहाँ पर, और अब मैंने कोई नया चैनल ओपन किया तो वहाँ आपको इंदौर मंडी के भाव के वीडियो वहाँ मिलेंगे। इस कारण अपन वो दोनों काम कर रहे हैं कि बीच बीच में उसके वीडियो में डालते रहूँगा जो घूमने गया था। अब पढ़े चाहिए डालो, जो भाई हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वो वाला पाटीदार इंदौरी ब्लॉग्स वाला सभी किसान भाइयों से मेरा बोलना है कि वो वाला चैनल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत इस वाले चैनल पर आए तो वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आप वीडियो में वहाँ नया चैनल या वहाँ पर बना रहा हूँ ऐसा करके आपको बता पाऊँ। चलिए मिलते हैं आप कल मंडी वाले वीडियो में। अब हमारा आवक वाला वीडियो भी आने लग गया है कि आवक है क्या रही, साथ ही हम किसान भाइयों से मुलाकात भी करेंगे उस वीडियो में, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे, तो कुछ उसमें थोड़ा सा नया अपने को देखने को मिलेगा आपको। और बाकी भाव का प्याज का आएगा ही सही और लहसुन का ही रहा है। किसान भाइयों देखो झमाझम बारिश चल रही है ज़बरदस्त, इधर भी देखेंगे ज़बरदस्त पानी गिर रहा है किसान भाइयों, इधर देखो आप ओए जबरदस्त पानी है भैया, ऊपर भी देखो बरसात, और इससे आ जाना मज़ा आप कहीं ना कहीं। तो ये खुशी की बात भी है कि पानी आ गया तो 2-3 काम हमारे बहुत अच्छे हो गए, जो सोयाबीन में पानी चाहिए था वो भी मिल गया है, दूसरा कहीं ना कहीं हमारा जो लहसुन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होने वाला है, वो बढ़ने वाला। देखो मैं पान भाई आपने बारिश भी देखी और बारिश बड़ी प्यारी हो रही है, मतलब मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हाँ ये तो है कि कुछ किसान भाइयों का जो सोयाबीन है वो थोड़ा ख़राब हुआ ये मान रहा हूँ, लेकिन जिनकी बच सकती थी वो कहने के इस पानी के कारण बच जाएगी। चलिए किसान भाइयों बाय बाय।